हेलो फ्रेंड्स, आज हम जैम के बारे में एक नया वीडियो लेके आए हैं, सीआरईसी प्रोसेस के बारे में, जो कि होता है कंसाइनी रिसीट एंड एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। ये सीआरईसी प्रोसेस के बाद ही आपका बिलिंग प्रोसेस होता है, यानी कि आपको जो पेमेंट मिलता है सीआरईसी के बाद ही मिलता है। सीआरईसी प्रोसेस से ये तय होता है कि कौन कौन सी क्वांटिटी जो बायर एंड से लोग बैठे हुए हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, और कौन कौन सी क्वांटिटी वो रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट करते हैं तो पूरा का पूरा उनको ब्यौरा भी देना होता है। बाकी इसके बारे में आगे देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वीट चाइम्स। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके इसे प्लीज सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके सुनिश्चित करें कि हमारे वीडियोज आपको समय पर मिलते रहें। तो सबसे पहले कंसाइनी को लॉगिन करना होगा अपने यूजर आईडी पासवर्ड से जैम के अकाउंट में। उसको क्लिक करना होगा डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद उसके पास कुछ ऑप्शन दिखेगा, उसमें से उसको चूज करना है प्रोडक्ट ऑर्डर्स पे। प्रोडक्ट ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद उसको क्लिक करना होगा ऑल कॉन्ट्रैक्ट पे। ऑल कॉन्ट्रैक्ट को क्लिक करने के बाद उसके पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर दिख जाएंगे, जिसमें से उसको सेलेक्ट करना होगा वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जिसमें उसको सीआरईसी जनरेट करना है। फिर उसको ऑप्शन दिखता है कि प्रोडक्ट वाइज, कंसाइनी वाइज, शिपमेंट वाइज, तो उसको वहाँ से सॉर्ट कर सकता है। शिपमेंट वाइज पे उसको सॉर्ट करना रहेगा, वो उसने एक बार कर दिया। फिर उसके बाद वहाँ पर अपडेट रिसीव क्वांटिटी का स्टेटस दिखेगा, वहाँ पर उसको क्वांटिटी रिसीव स्टेटस पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एक ओटीपी उसके पास जनरेट होता है, ओटीपी उसको एंटर करना है। फिल एक्सेप्टेड क्वांटिटी, कौन कौन सी क्वांटिटी वो एक्सेप्ट कर रहा है वो डालेगा। रिजेक्टेड क्वांटिटी डालेगा कि कौन कौन सी क्वांटिटी रिजेक्ट कर रहा है। इंस्पेक्टेड डिटेल्स डालेगा कि उसको क्यों उसने रिजेक्ट किया, क्यों उसने सेलेक्ट किया, वो रीज़न देने रहते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेगा। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद उसके पास ई साइन उसको करना होता है, वापस से ओटीपी आता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। ओटीपी वो जैसे ही एंटर करता है उसका सीआरईसी प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब करना हमारा चैनल स्वीट चाइम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।